करप्ट अफसरान के गिर्द शिकंजा कसने लगा। सरकारी अफसरान के बगैर इजाजत के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद। कोई भी सरकारी ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट एनओसी के बगैर बैरून मुल्क उड़ान नहीं भर सकेगा। एफआईए का तमाम एयरपोर्ट्स को मुरासला इरसाल। एयरपोर्ट्स पर हमले को अलर्ट कर दिया गया। पंजाब में फिर चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली का इम्कान। अब्दुल्ला सुंबल ने चीफ सेक्रेटरी बनने से इनकार कर दिया। ओहदा लेने से माजरत। वजीर आला पंजाब को फैसले से आगाह कर दिया। नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए ताहिर खोरचीद और यूसुफ नसीम खोखर के नामों पर गौर। टीके की मुमकिन वापसी ब्यूरोक्रेसी में नई बहस। पंजाब में बेशतर अफसरान ताहिर खोरचीद के साथ काम नहीं करना चाहते। ताहिर खोरचीद के चीफ सेक्रेटरी बनने से ब्यूरोक्रेसी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। आला अफसरान ताहिर खोरचीद के साथ काम करके अपनी एसीआर खराब नहीं करना चाहते। बुजदार सरकार के जाते जाते मनमर्जी के फैसले। प्रोफेसर बिलाल मोहियुद्दीन को गैर कानूनी तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईसी तायुनात कर दिया। प्रोफेसर बिलाल मोहियुद्दीन के पास कार्डियोलॉजी की डिग्री नहीं, मतलूबा अहलियत नहीं रखते। डॉक्टर हामिद सईद फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबरा तायुनात। प्रोफेसर मोहम्मद सलीम को प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान लगा दिया गया। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के लिए 1.5 अरब रुपए का बजट कहां इस्तेमाल हुआ। महकमे सनत की रिकॉर्ड देने में टालमटोल। जैली इदारे टेप्टा ने डीजी एमएनई को दस्तावेजात फ्राहम नहीं की। बुजदार दौरे हुकूमत में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम शुरू हुआ। 94,000 नौजवानों को रोजगार के लिए तरबियत दी जाना थी। हमजा शहबाज का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब का तबादले रुकवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू। मुतफरीक दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया कि वजीर आला का इलेक्शन करीब है, तबादलों को रोका जाए। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और आईजी को फरीक बनाया गया है। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात में तफ्तीशी टीमों के सरबराह छुट्टी पर चले गए। डायरेक्टर एफआईए पंजाब डॉक्टर रिजवान की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर। डिप्टी डायरेक्टर नाजिया अमरीन को डायरेक्टर का चार्ज मिल गया। कौन बनेगा वजीर आला पंजाब, सियासी लड़ाई अदालतों में पहुंच गई। काफ लीग ने अरकीन असेंबली के होटल में क्याम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। हमजा शहबाज की दरख्वास्त में फ्रीक बनने की इस्तदा। कामल अली आगा ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की। वजीर आला पंजाब का फैसला होने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। नून लीग ने मुतहिदा अपोजिशन के अरकीन असेंबली की आम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब भर से आए अरकीन असेंबली एयरपोर्ट के करीब स्विस होटल में मुकीम है। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप समेत दीगर मुनहरिफ अरकीन भी शामिल। पंजाब में सियासी माहौल कशीदा। पार्लिमानी अमूर ठप। तहरीक अदम एतमाद और कायदे ऐवान न होने से पार्लिमानी अमूर मुतासर। कानून साजी ऑडिट पैरा पर काम बंद। कायदे ऐवान के चुनाव तक पार्लिमानी अमूर फ़आल नहीं हो सकेंगे। सूरज का मजाज बिगड़ने लगा। तपिश में इजाफा। पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। रोजादारों के हलक खुश्क होने लगे। तिबी माहिरीन की जानिब से इफ्तारी में ठंडे मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल की हदायत। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा इख्तिताम के करीब। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशियाए जरूरियात दूर दूर तक नजर नहीं आती। धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 6 रोज से खत्म। घी और सस्ती चीनी के लिए भी सारफीन ख्वार। फेयर प्राइस पर मिलने वाली अशिया भी गैर मियारी होने की शिकायत। सरकारी निरखनामा रद्दी की टोकरी में माफिया सब्जियों के मनमाने दाम वसूल करने लगा। आलू 20 की बजाय 35 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर 155 की बजाय 180 रुपए। शिमला मिर्च 100 रुपए जबकि भिंडी 180 रुपए किलो बिकने लगी। रवां साल 10 लाख मुसलमान फरीजे हज अदा करेंगे। 65 साल से कम उम्र अफराद को हज करने की इजाजत होगी। मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार। सऊदी वजारत ने नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कौमी एयरलाइंस की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। पीके 9759 ने लाहौर से जद्दा के लिए उड़ान भरी। परिंदा टकराने से
आउटर विंड स्क्रीन टूट गई। कप्तान ने तैयारी को बहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। बोइंग 777 में 350 मुसाफिर सवार थे। तैयारा हैंगर मुंतकिल, मुसाफिरों को मुतबादल परवाज से जद्दा भिजवाया गया। लाहौर मास्टर प्लान का ड्राफ्ट उजरत में पास करने वालों को बड़ा धक्का। गवर्निंग बॉडी ने ड्राफ्ट स्क्रूटनी कमेटी में भिजवाने के फैसले के बाद तरमीम कर दी। आबादकारी की रेगुलेशन की वर्किंग मुस्तरद। अथॉरिटी का ड्राफ्ट का जामे प्लान मुकम्मल रीविजिट करने का हुक्म। LDA अधूरी वर्किंग के साथ मास्टर प्लान ड्राफ्ट पास कराना चाहता था। ऑरेंज लाइन मंसूबे का पैकेज 1 और 2 अधूरा। तामीराती काम मुकम्मल ना हो सके। तकमील की तारीख में 30 जून 2022 तक तौसी। मंसूबे के एट ग्रेड वर्क्स को भी मुकम्मल ना किया जा सका। चीनी कंपनी नोरेनको की खामियों की निशानदही। ट्रांसपोर्ट ने 1 खरब 65 अरब 22 करोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी पर नजरें सानी कर दी। रवां साल प्राइमरी मिडिल इम्तिहान की डेटशीट जारी नहीं होगी। स्कूल खुद डेटशीट तैयार करके इम्तिहानात मुनाकिद करवाएंगे। बैंक सवालिया पर्चों के लिए स्कूल्स को आइटम बैंक फ्राहम करेगा। इम्तिहानात के लिए असातिजा को तरबियत फ्राहम की जाएगी। शहर के 13 थानों में SHO तायुनात। अली शेर SHO बनावा। सफ्तर सज्जाद हरबंसपुरा। शकील खुर्शीद को SHO थाना हेर लगा दिया गया। नदीम खालिद SHO मजंग। नबीला कौसर रेस कोर्स। अहमद अदनान मोचीगेट। रेहान अनवर मुस्लिम टाउन और आसिम रफी SHO डिफेंसी तायुनात। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में तायुनात। यहाँ अदनान मुश्ताक लाहौर। वजाहत हुसैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट बहावलपुर तायुनात। तारिक जावेद साहिवाल, शाहिद सिकंदर गुजरात और मोहम्मद याकूब की भक्कर में तायुनात। BEd ना करने वाले एजुकेटर्स के लिए एक और मौका। एजुकेटर्स को मजीद 1 साल की मोहलत मिल गई। पंजाब भर में BEd ना करने वाले एजुकेटर्स की तादाद 2530 है। BEd की डिग्री पर ही असातिजा को मुस्तकिल किया जाएगा। पंजाब फ्रेंसिक साइंस एजेंसी को 50 करोड़ रुपए जारी। जराइम पर काबू पाने के लिए नए आलात खरीदे जाएंगे। साइंसी आलात से जराइम की बेखनी और ट्रेस करने में मदद मिलेगी। मजहर अली इलेक्ट्रॉनिक शॉप डिफेंस के खिलाफ 15,000 रुपए की डिग्री जारी। सारिफ अदालत का शहरी को हीटर के 15,000 रुपए भी अदा करने का हुक्म। डिफेंस के सैयद रजा काजमी ने 1 लाख हर्जाने का दावा दायर किया था। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की फिरोजपुर रोड पर टेक्सटाइल फैक्ट्री आमद। चेयरमैन मेनानकन टेक्सटाइल हारून खान से मुलाकात। टेक्सटाइल फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। फैक्ट्री में तैयार होने वाले सामान पर ब्रीफिंग। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता सनअतकारों का लाहौर चैंबर का दौरा। इरफान इकबाल शेख से मुलाकात। नदीम कुरैशी, रिफत मलिक, उमर नवाज, मोहम्मद अली मियां, सैयद नबील हाशमी, इखलाक अहमद भी मौजूद थे। सनअतकारों को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की जेर सदारत इजलास। लाहौर बार और सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात पर तबादला ख्याल। उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान। इजलास में हफीजुर रहमान चौधरी, पीर मसूद चिश्ती, आबिद साकी, ताहिर नसरुल्ला वड़ाइच, मोहम्मद मोहसन विर्क समेत दीगर वकला रहनुमाओं की शिरकत। SP कैंट ईसा सुखेरा की जेर सदारत डिवीजन क्राइम पर इजलास। SDPOs, SHOs, चौकी इंचार्जेज और लीडर्स की शिरकत। SP कैंट की 15 कॉल्स पर SHOs को खुद रिस्पॉन्ड करने की हदायत। डॉल्फिन और पीरों को मौसर पेट्रोलिंग का हुक्म। और बच्चों के दिल के अमराज का पहला अस्पताल तकमील के करीब। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चिल्ड्रन हार्ट अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब। साबिक क्रिकेटर मिसबल हक की शिरकत। CEO फरहान अहमद कहते हैं कि मुस्तहिक और गरीब बच्चों का इलाज मुफ्त होगा।